कल्पना करिए कि अगर भारत के ऊपर हमला हो गया है और दुश्मन के लड़ाकू जहाज, मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए निकल रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक से एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है और ये कमाल कर सकता है भारत का खुफिया हथियार काली। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे भारत के उस खुफिया हथियार की जो दुश्मन को एक बार में ही धूल चटाने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं काली की। ये एक ऐसा हथियार है जिसके नाम से दुश्मन देशों के पसीने छूट जाते हैं। ये वो हथियार है जो दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। इसके अलावा ये अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। ये भारत का एक ऐसा हथियार है जो दुश्मनों का नाश वैसे ही करता है जैसा साक्षात काली माँ राक्षसों का करती है। काली माँ का नाम सुनते ही जिस तरीके से बड़े राक्षस कांपते हैं, वैसे ही दुश्मन इस हथियार का नाम सुनते ही उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। हालांकि ये दोनों देश अपनी हरकतों से तो बाज आते ही नहीं। एक तरफ एलओसी में पाकिस्तान हमेशा सीज़फ़ायर तोड़ता है और दूसरी तरफ एलएसी पर चीन भारत में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता रहता है। लेकिन जब बात काली की आती है तो ये दोनों देश पीछे हटने लगते हैं। आखिर क्या है इस वेपन में जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का हर देश इस भारतीय हथियार से खौफ खाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा इस हथियार में है क्या जिससे कि दुश्मन देश इससे खौफ खाते हैं। तो आपको बता दें कि काली का अर्थ है किलो इंपीरियर लीनियर इंजेक्टर। ये एक ऐसा हथियार है जो बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत कबाड़ बनाया जा सकता है। यह हथियार इतना ताकतवर है कि बिना आवाज और बिना धमाके के हिमालय में एवलॉन्ज ला दे और पीएलए की सेना चंद सेकंड में बर्फ में दफन हो जाए। यह सीक्रेट हथियार एक बार से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हवा में आग का गोला बना सकता है। यही नहीं, दुश्मन का ताकतवर टैंक भी सीक्रेट हथियार का अटैक नहीं सह सकता और उसके परकच्छे उड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इस हथियार को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी वॉर्क और रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO दोनों ने मिलकर बनाया है। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वॉर्क के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने इसकी योजना बनाई थी, लेकिन इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ। काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, काली 5000 और अब काली 10000 विकसित किया जा चुका है। इस काम में DRDO भी वॉर्क के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत का ये सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट इतना खुफिया और इतना अहम है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल मनोहर पारिकर जब रक्षा मंत्री थे तब उनसे लोकसभा में प्रश्न किया गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो जानकारी मांगी गई है वो संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि काली पर लगातार काम चल रहा है और इसके बारे में सरकार कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती है। भारत के हथियार काली से पाकिस्तान इतना ज़्यादा खौफजदा रहता है कि ये इस वाक्य से साबित हो जाता है। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के ग्लेशियर सेक्टर में भयानक बर्फानी तूफान आया था और वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिर गया था जिसमें पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गया था और उसके करीब 140 सैनिक भी मारे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसका आरोप काली पर ही लगाया था और कहा था कि भारत ने
टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत ने उसे सिरे से नकार दिया था। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात कहां समझ में आने वाली थी, इसी वजह से पाकिस्तान में आज भी काली का नाम खौफ पैदा कर देता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि काली से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हवाई जहाज और मिसाइल के इलेक्ट्रिक सर्किट और चिपों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रभाव से फेल करके उन्हें कुछ ही पलों में तबाह कर सकता है। काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है, जिसको किसी भी वक्त एक साथ एक झटके में रिलीज किया जा सकता है। इसकी तुलना आप घरेलू कैपेसिटी यानी कंडेंसर से कर सकते हैं, जिसमें ऊर्जा जमा होती है। जब आप इसे छूते हैं तो आपको करंट का झटका लगता है। काली भी ठीक इसी तर्ज पर काम करता है। काली की शुरुआती वर्जन में 1 GW ऊर्जा नैनो सेकेंड्स में निकलती है, लेकिन भारत के पास इस वक्त काली का जो वर्जन है वह 40 GW तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। काली 10,000 में इतनी क्षमता है कि वह 40 GW तक ऊर्जा सिर्फ 100 ms में उत्पन्न कर सकता है। शुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था। पहले योजना बनाई गई थी कि काली को हमारे सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारे उपग्रह सूर्य की कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षित रहे। लेकिन साल 2004 में जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया, तब इसकी ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का भी फैसला किया गया। लेकिन जो कि यह सरकार का बहुत गुप्त मिशन था, इसलिए अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी रिलीज नहीं दी गई है कि काली को हथियार के तौर पर विकसित किया जा चुका है या नहीं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एक हथियार के तौर पर काली बहुत कारगर है, क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को तुरंत नष्ट करने में सक्षम है। अपनी इस क्षमता की वजह से काली लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नष्ट करके उन्हें तुरंत बेकार कर सकता है और मिसाइलों की दिशा बदल सकती है। दरअसल आजकल सारी मिसाइलें और लड़ाकू विमान GPS टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं और काली किसी भी तरह की तकनीक का दुश्मन है, इसलिए लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का काल है। काली की इन्हीं खासियतों के कारण इसे भारत के दुश्मनों का काल कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।